और ये रहा गाइस एक नंबर की पहली सूर्य की किरण जो कि मंदिर की, और ये है पेड़ के पीछे से निकलता हुआ सूरज, पेड़ के पीछे से निकलता हुआ निकलता। और आपको बहुत ही मधुर आवाज में पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही होगी। तो अभी घर पे आ चुके हैं और यहाँ से कुछ दूर पे जाएंगे। ये है कुछ मौसम, ये कुछ है आसमान का नजारा जो आपको सूर्य की किरणों के साथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कोई खेल रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, क्योंकि सुबह का टाइम है तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं। और ये है कुछ ऐसा गांव का नजारा। यह है बादलों की ऊंचाई पे को छूते हुए। तो ये गाइस हम अभी गांव के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं और ये सकरी गली भी है इसमें, और यहाँ पे हमको मिल गया एक बहुत ही पतला रास्ता जिसको पकड़कर हमें जंगल की तरफ ही जाना है। और हमारी गाड़ी स्टेबल है जिससे कि चलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हो रही है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और लेकर चलते हैं आपको जंगल की तरफ। सो फाइनली गाइस हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है कि बिल्कुल ही सुनसान एरिया है ये। आपको 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि। और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ओटू, यहाँ का बहुत ही समझ लीजिए कि एकदम फिल्टरेट आपको मिलेगा, एकदम फिल्टरेट मिलेगा। तो बहुत ही थोड़ा सा सांप और ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं क्योंकि जंगल है तो सांप रहेंगे, कुछ ऐसे जानवर रहते हैं क्योंकि रात के अंधेरे में यहाँ पे लोग नहीं आते हैं। और यहाँ पे एक पोखरा है, आपको ये देख सकते हैं ये बहुत बड़ा पोखरा है यहाँ पे जिसमें मछलियाँ भी रहती हैं। देख रहे हैं उस साइड आपको ले चले, वहाँ पे तो और आपको बहुत ही बेस्ट नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप केंद्र पे खड़ा होकर देखें तो कुछ ऐसा यहाँ का दृश्य दिखेगा। और आपको सीधा यहाँ से थोड़ा जूम करके उस छोर का सीन दिखाते हैं। ये गाइस कुछ ऐसा यहाँ का सीन है, अकेले ही जाना पड़ा। और मैं यहाँ से पैदल ही धीरे धीरे आपको एक एक दृश्य दिखाते हुए लेकर चलूंगा। तो मैं गाइस यहाँ पे चल रहा हूँ अकेले, और मेरे आगे पीछे देख सकते हैं कोई नहीं है, बिल्कुल मैं अकेला हूँ। यहाँ पे आपको घर भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक पोखरा देखने को मिलेगा यहाँ पे। और रात के अंधेरे में यहाँ पे तो एकदम सन्नाटा हो जाता है, कोई ना ही आता है ना ही जाता है। और बहुत ही सुंदर, मैं आपको ऊपर से ले चलूँ थोड़ा सा, लेकिन ऊपर ज़्यादा कांटे ऐसे पौधे हैं कि कांटे चुभ सकते हैं, इसके वजह से ऊपर से नहीं ले जा सकता हूँ। लेकिन ऊपर से कोई रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है जाने के लिए, इसीलिए इधर ही से आपको लेकर चल रहा हूँ। तो ठीक है चलते हैं। यहाँ पे आए हुए हमें काफ़ी देर हो चुका था और सूर्य बिल्कुल सर पे आने की ही कोशिश कर रहा था क्योंकि दोपहर होने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट और बाकी था, जिससे गर्मी और ही बढ़ने वाली थी।
ये हम आ गए हैं आगे की तरफ। तो फाइनली गाइस ये रहा यहाँ का कुछ ऐसा नजारा। और हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अब देखिए सूर्य कितना अच्छा चमक रहा है, बिल्कुल हमारे सर पे ही आने वाला है। और ये रहा जंगल का दृश्य, आप देखिए। बस यहाँ से आगे ना जाते हैं। तो फाइनली गाइस हम तो आ चुके हैं अभी दूसरी छोर पे, वहाँ से निकले हैं, वहाँ से निकल के आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिखाएंगे जो आपको चीज़ जो मैं बोला था वही चीज़ आपको दिखाएंगे। और अभी ले चलते हैं, गाड़ी बंद हो गई पता नहीं किस वजह से। भाई पेट्रोल खत्म हो गया कि ऐसे बंद कर दिया है? बंद क्यों किया है? पेट्रोल खत्म हो गया ऐसे बंद कर दिया? बंद कर दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे एक पीकॉक है वो चल रहा है, दिखा रहा हूँ आपको। एक मोर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे यहाँ पे बहुत कम ही मोर देखने को मिलते हैं, लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे मेरे। ये गाइस अभी मैं अंदर जाऊँगा तो अभी हो सकता है भाग जाए मैं, तब भी देखिए आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का। और जैसे मैं अंदर बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ, वो भी अंदर खेत में जा रहा है दिख नहीं रहा होगा। तो फ्रेंड धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे आपको वहाँ पे लेके चल रहा हूँ। बहुत मैं यहाँ पे आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, शांति रहती है सबसे बड़ा सबसे बड़ी बात। तो मैं आपको वहाँ पे पहुँचाने वाला हूँ। जाली लगी है, जाली क्यों लगी है? क्योंकि इस पोखरे में मछलियाँ छोड़ी गई हैं, जब बारिश का सीजन आता है तो बाढ़ जैसा हो जाता है, तो उसकी वजह से जब पानी ओवरफ्लो होता है तो इसमें से मछलियाँ बहकर उस पार चली जाती हैं और उसमें से खेत से होते हुए दूसरी जगह चली जाती हैं, यानी दूसरे पोखरे में चली जाती हैं, दूसरे लोगों के खेत में चली जाती हैं। तो उसकी वजह से ये इस जाली को लगाया गया जिससे कि मछलियाँ इस पार से उस पार न जा पाए। ये मैं चल रहा हूँ दूसरी छोर पे आपको लेकर आ गया हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ है कि रास्ता तो है जाने के लिए, आने के लिए अच्छा रास्ता है, इसके जस्ट बाद एक हरिजन बस्ती शुरू हो जाती है। और यही ये सब देखिए पेड़ इधर सब लगाए गए हैं, हरे भरे पेड़ है, बहुत ही यहाँ पे शांति आती है। मैं इसके पहले भी कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ लेकिन ब्लॉग नहीं बना पाया, इसी पर ब्लॉगिंग करना था और आज इस पर ब्लॉगिंग हो गया और आप लोग देख लीजिए। तो इधर से उधर कहीं से ऊपर चढ़ने का रास्ता है, ऊपर चढ़ता हूँ।
यहाँ पे कुछ पुराने पुराने पेड़ लगे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा साल नहीं लेकिन काफ़ी साल पुराने हैं, और मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ। सुंदर सुंदर वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। दिन के उजाले में भी लोग यहाँ पे जरूर आते हैं घूमने के लिए, शाम को भी लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। गर्मियों के दिनों में यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, और ये सॉरी देखिए सूरज चमकता हुआ, बहुत यहाँ का सुंदर दृश्य आपको दिखा रहे हैं हम। इधर पूरे पौधे देखिए, इतने अच्छा यहाँ पे छांव रहता है गर्मियों के मौसम में कि आदमी यहाँ पे अगर रिलैक्स करना चाहे, कहीं दूर से थका हुआ है तो आराम से रिलैक्स कर सकता है। तो ठीक है, ये जो यहाँ का नज़ारा है बहुत ही प्राकृतिक में सुंदर बनाया है। मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ, यहाँ की सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई की थोड़ी सी जरूरत है, नहीं तो और कुछ यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही है। तो ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं, ऐसे अब यहाँ से निकलते हैं और लेके चलते हैं, ब्लॉग को ही करते हैं यहीं पे। तो ठीक है गाइस, ब्लॉग को करते हैं यहीं पर, अच्छा ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे गर्मी के मौसम बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, अगर रिलैक्स आप होना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाइए, बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण रहता है, तो बहुत ही सुंदर जगह है घूमने के लिए। तो अगर यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि पेड़ पौधे के संभाल के रखे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। तो ठीक है, ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर ये जगह अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये जगह आपकी कैसी, ये जगह आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।